पर हिम शक्ति सामाजिक संगठन की ओर से ये निदर्शना का प्रोग्राम रखा है। इसका विषय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस ठिकान पर मनीषा वाल्मीकि पर जिस तरह का जुल्म अत्याचार होने के बाद उसका बलात्कार हुआ और इंसानियत को भी रोना पड़ेगा इस तरह का दर्दनाक उसकी मौत करने के लिए उन लोगों ने जवाबदारी स्वीकारी भी है। ये जो हादसा है ये बहुत ही खौफनाक और दर्द भरा हादसा है। आज योगी सरकार के राज में जो भी कुछ हो रहा है वो लोकशाही जम्हूरियत का गला घोटने वाली बातें वहाँ पर अक्सर हो रही है। उस गांव में लोगों को जाने के लिए इजाज़त नहीं है। जब लोग परेशान हैं उसके माँ बाप को उसके मौत से तावरूफ भी नहीं होने दिया, उसकी मुलाकात भी नहीं होने दी, गुपचुप वो बच्ची की जो है तो अंत्ययात्रा निकाल के उसको जलाया गया। यानी कोई भी एविडेंस उसको रखा नहीं गया पीछे, और इसमें गवर्नमेंट की और पुलिस की दोनों की भी हाथ मिलाई है, साजिश है। और ये जानबूझ के हादसे इसलिए हो रहे हैं कि दलित माइनॉरिटी के लोग बहुजन लोग इनको डराया जा सके, धमकाया जा सके। उस जो अत्याचारित पीड़ित लोग हैं जिन्होंने बलात्कार किया है, सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे फोटोज आए हैं। राजनाथ सिंह, योगी, नरेंद्र मोदी, इनके साथ वो बच्चों का बाप दिखाई देता है, उनके फोटोज है, उनके प्रोग्राम में है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, मतलब ये सच्चाई है कि जिन्होंने बलात्कार किया उस बच्चे का बाप बीजेपी का बोलो या आरएसएस का बोलो, अभी मांग क्या है आपकी मांग क्या? तो इन लोगों ने ये सब मिलकर किया है, तो हमारी मांग ऐसी है कि जो हादसा हो गया इसकी कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और वहाँ पे जो पाबंदी लगाई है गांव में जाने को, जैसे अभी राजीव गांधी को, राहुल गांधी को भी देखे, एक विरोधी पक्ष नेता है, सक्षम नेता है, ऐसे आदमी को उस गांव में जाने तक नहीं देते। मतलब ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इस देश में है कि नहीं ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। अभी और जहाँ जब हादसे हो वहाँ पर डाउट के बुनियाद पर एनकाउंटर हो जाता है, इसके मामले में होता नहीं है। खासतौर पे इन लोगों को जल्दी से जल्दी पनिशमेंट हो और उन लोगों को कानून के हवाले करके फांसी दी जाए, हमारी पहली डिमांड। क्या नाम है? नाम बोला नाम? दिनकर ओंकार। फांसी, फांसी।